और दोस्तों अब हम आए हैं गयासुद्दीन तुगलक टॉम पर, बिल्कुल एकदम फोर्ट के जस्ट अपोजिट है ये भी। और अच्छी बात ये है इस मकबरे के लिए आने के लिए गयासुद्दीन तुगलक का जो टॉम है, इस टॉम के आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए किसी अलग टिकट की ज़रूरत नहीं होती है। सेफ जिस टिकट पर आप लोग फोर्ट घूमने जाएंगे उसी टिकट से यहाँ पर भी आप लोग एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए साथियों एंट्री करते हैं इसमें, और ये है इसका मेन एंट्री। चलिए चलते हैं इसमें अंदर। रात के लिए लाइट की व्यवस्था भी कर रखी है, बाकी रात में आना अलाउड होता नहीं है। इसका बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, बस छोटा सा ही इसका ग्राउंड है। बंदर भी यहाँ पर घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी घास लगा रखी है इधर, और धूप आज बहुत अच्छी निकल रही है। ठंड का मौसम है तो बहुत अच्छा लग रहा है इधर। चलिए दोस्तों अब इसमें अंदर चलते हैं मकबरे में, टॉम के भीतर देखते हैं इसमें कब्र वगैरह किस तरह से है। अभी और ये है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की कब्र, यहां पर आप देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर से इसको ढक रखा है। ये अंदर का व्यू है साथियों इस मकबरे के भीतर, आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर इसको इस तरह से ऊपर इसमें डिजाइन करी गई है, और ये बिल्कुल टॉप का व्यू है इस तरह से जो टॉम बना रहता है। दोस्तों इसमें तीन कब्र हैं, और इन तीनों कब्रों के बारे में माना जाता है कि एक तो स्वयं गयासुद्दीन तुगलक की कब्र है, दूसरी उसकी बेगम की, और तीसरी माना जाता है कि उसके बाद का जो रूलर आए थे दिल्ली सल्तनत के, मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी कब्र है। तो इसमें मकबरे के भीतर टोटल तीन कब्र हैं, और इसका अंदर का व्यू आप लोग देख सकते हैं। हालांकि एक छोटे किले की तरह इसको बनाया गया है, बहुत बड़ा मकबरा नहीं है जिस तरह से हुमायूं टॉम है। अंदर इसमें बहुत अच्छी डिज़ाइन करी गई है, ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। ये इसका बिल्कुल टॉप का व्यू है यहाँ पर आप देख रहे हैं जो। और इस किले के भीतर ही बेसमेंट बना हुआ है, एक्चुअली इस टॉम के भीतर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बंद है इसमें, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों से होकर के इसमें अंदर जा सकते हैं। ये बेसमेंट है, आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से होकर के, इन सीढ़ियों से होकर के इसके भीतर जाया जा सकता, लेकिन अभी इनको बंद किया जा गया है। ये आप देख सकते हैं पत्थर पर कितनी उम्दा जो है डिजाइनिंग करी गई है। इधर आप देख सकते हैं, ये यहां पर आप देख सकते हैं कितनी उम्दा ड्राइंग करी गई है पत्थर पर। ये जालियां कितनी बेहतरीन बनाई गई हैं, अलग से नहीं जोड़ा गया है इनको, जो पीसेस बने हुए हैं, जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है गाइज, ये पत्थर में से ही काट के बनाया गया, यही इसकी जो है कलाकारी है।
और गाइस जो आप ये देख रहे हैं ना, ये आप सभी किलों में देख सकते हैं। आक्रमणकारियों पर तीर चलाने के लिए ये बनाए जाते थे सभी किलों की दीवारों में। गाइस ये है जफर खान का ये टॉम्ब, तो चलिए इसमें चलते हैं, जिसे गियासुद्दीन तुगलक ने ही बनाया था और ये पहला, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का पहला टॉम था ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं जफर खान की ये कब्र है। गाइस आप देख रहे हैं बिल्कुल चारों तरफ से ये बंद है, फिर भी यहाँ पर धूप आ रही है। इसका कारण ये है कि ये जो यहाँ पर होल जो छोड़ेगा ये ना, इसको बनाने में चारों तरफ ये होल छोड़ेगा ये, और सूरज जिस तरफ भी होता है उस तरह से यहाँ पर उस तरफ से धूप आती है, इसीलिए इनको बनाया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये होल बनाए गए हैं इस मकबरे के भीतर, ताकि यहाँ पर सूरज की चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, धूप हमेशा आती रहे पूरे दिन भर। इसीलिए यहाँ पर ये देखो आप, रोशनी आ रही है इधर से, और इसमें उजाला है, बस एक ही एंट्री है बावजूद इसके।